नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका ऐत्रेय उपनिषद में स्वागत कर रहा हूं। इस समय आप उपनिषदों की ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। देखिए, संस्कृत भाषा की एक अपनी विशेषता है, यहां एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। ऐसा ही एक शब्द है अवगाहन, जो स्नान के लिए ही है। नहाने को आप स्नान भी कहते हैं, अवगाहन भी कहते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अवगाहन वो है जिसमें व्यक्ति नदी के पानी में उतर के और अंदर तक डुबकी लगाकर जब बाहर आता है, और सिर्फ बाहर आना नहीं, ये कहिए कि घंटों तक उसमें पड़ा रहता है। जैसे कहीं भैंस किसी तालाब में उतर गई हो, फिर आप देखिए कि उसको उसमें से पानी में से निकालना गर्मी के दिनों तो बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो ये है अवगाहन। तो कुछ लोग तो अवश्य इस उपनिषदों की ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर लेते हैं, नदी के किनारे गए, उन्होंने कहा कि पानी में उतरेंगे तो यार बड़ा ठंडा है या डर लगता है, किसी भी कारण से वो लोटे से डाल लेंगे या थोड़ा बहुत छपछपिया कर लेंगे बाहर किनारे पे बैठ के, तो उसको हम स्नान कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं अरे पैर कौन गीले करे, हाथ कौन गीले करे, ठीक है थोड़ा सा ले लिया, आचमन कर लिया, बोल लिया पवित्र पवित्र वाह सर्वावस्थान गतोपि वाह यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवाहयाभ्यंतरस्तु जी, और वो कहते कि हमने तो बस पुंडरीकाक्ष को याद कर लिया है, अब तो मैं अंदर से लेके बाहर तक सब जगह पवित्र हो गया हूं। तो भैया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब यहां जिसको जितना आनंद मिलता है वो इस प्रकार से इसका लाभ ले रहा है। ये ज्ञान गंगा कुछ समय के लिए रुक भी जाएगी, क्योंकि इस वर्ष कुछ अभ्यासक्रम बदला है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक वो भी वीडियो डालने हैं। तो ऐत्रेय उपनिषद के बाद ये उपनिषद की जो धारा है वो कुछ समय के लिए अवरुद्ध होगी और फिर उस ज्ञान गंगा में वापस आएंगे। अभी हम हैं ऐत्रेय उपनिषद के दूसरे अध्याय के प्रथम खंड पे आए हैं। पहला अध्याय उसके तीन खंड हम पूरे कर चुके हैं। अन्न खाने के बाद व्यक्ति शक्तिमान बना, इसकी चर्चा हमने अंत में की थी। यानी जिस पर ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि की संरचना की, सृष्टि को चलाने के लिए उसी ने अन्न की भी रचना की। अब उस अन्न को खाकर के शक्तिशाली बना जो व्यक्ति है, उसकी शक्ति का उपयोग क्या और कैसे वो सृष्टि की प्रक्रिया को ईश्वर ने आगे बढ़ने का माध्यम बनाया उसको, इसकी चर्चा यहां आगे कर रहे हैं। पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवति। भाई, व्यक्ति जब इस अन्न का भोजन करता है, जब उसके शरीर में ये अन्न पेट के अंदर पहुंचता है, तो इसकी एक अपनी प्रक्रिया है। हमारे यहां कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न खाने में बड़ा ध्यान रखना चाहिए, आप किसका अन्न खा रहे हैं, आप किस समय पे अन्न खा रहे हैं, ये सभी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अन्न जिस प्रकार का या जिसका होगा, अगर आपने गलत अन्न खाया है तो मन में विचार भी गलत आएंगे, ये याद रखें। तो वो अन्न जब पेट के अंदर जाता है, जब वो उदर के अंदर पहुंचता है और उसकी रासायनिक प्रक्रिया होती है, यद एतद रेतस, तो उससे वीर्य उत्पन्न, और वो वीर जो है व्यक्ति के अंग प्रत्यंग में दिखाई देता है, क्योंकि वही उसकी शक्ति का मुख्य माध्यम है। जो जितना अधिक वीर्यवान है वो उतना अधिक तेजस्वी दिखाई देगा, वो उतना ही अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि शक्ति इसी में स्थित मानी गई है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि उस वीर के कारण उस व्यक्ति के अंग प्रत्यंग तेजवान है, शक्तिशाली है, या ये कह सकते हैं कि जो जितना अधिक शक्तिशाली है उसमें उतना ही अधिक तेज और वीर्य विद्यमान है, और वो इसको अपने अंदर जब तक धारण करके रखता है
तब तक वो बड़ा ही तेजस्वी और वीर्यवान बना रहता है। लेकिन स्त्रियाम सिंचत अथ एनम, जब वो इस वीर्य का सिंचन किसी स्त्री में करता है, जनयति तदस्य प्रथमम जन्म, तो यहां पे आकर के उसका वह प्रथम जन्म होता है। यानी पिता के शरीर से वीर्य प्रथम बार जब किसी स्त्री के अंडाशय तक पहुंचता है, तो इसको हमारे शास्त्रों ने प्रथम जन्म माना है। देखिए, अब तो साइंस ने बहुत तरक्की की है, आप अगर वीर्य के उनको देखें तो उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो जीवित ही होते हैं और सब एक तरीके से दौड़ते होते हैं। तो जो प्रथम जन्म है उसको यहाँ पे इस प्रकार से माना गया है। चलिए हम पूरी बात को समझते हैं। इस पहले मंत्र में ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जब अन्न खाता है तो उस अन्न के उदर में जाने के बाद जो उस अन्न से शक्ति का संचार होता है, इससे व्यक्ति के अंदर वीर्य की उत्पत्ति होती है और यही वीर्य उसके तेज, उसकी शक्ति और उसकी जो भी विशिष्टता है उसका मुख्य आधार माना जाता है। जब किसी स्त्री के अंदर वो इस वीर्य का सिंचन करता है तो इसको व्यक्ति का प्रथम जन्म माना गया है, ये पहला जन्म है। तत् स्त्रिया आत्मभूतम गच्छति यथा स्वम अंगम तथा। अब वो जो वीर्य अंदर गया है उसने स्त्री के अंदर एक बालक का रूप ग्रहण किया है, तो ये एक प्रक्रिया इस प्रकार की है कि जिसमें स्त्री को कई प्रकार से शारीरिक परिवर्तन और शारीरिक समस्याएं या बहुत कुछ ऐसा है जो उसको इसमें भोगना है। लेकिन तत् स्त्रिया आत्मभूतम गच्छति, वो स्त्री उस जो पुरुष के पास से आया हुआ वीर्य है या जिसके कारण वो बालक उसके गर्भ में आया है, उसको अपना बना लेती है, उसको अपना मानती है, वो उसी का एक अंग है। यथा स्वम अंगम तथा, जैसे उसका अपना ही अंग है। इस प्रकार से तस्माद एनाम न हिनस्ति, इसलिए वो कभी भी उससे होने वाली दिक्कत परेशानी समस्या को समस्या मानती ही नहीं है, वो उसको आनंद का विषय मानती है। और यहां कह रहे हैं इसलिए एनाम न हिनस्ति, वो उसको कभी भी परेशान नहीं करती है, न तो गर्भ में आने पे। देखिए, होता है कई बार ऐसा भी होता है जो इस प्रकार के संबंध बना लिया करते हैं लोग, और अगर वहां गर्भ आ जाए तो वो अनिच्छित गर्भ होता है, उसकी इच्छा नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में स्त्रियां भी गर्भपात करवा देती हैं, वो हिनस्ती उसको मार देती हैं। लेकिन जब वो पति के द्वारा प्राप्त होता है तब तो वो उसको आत्मभूतम गच्छति, वो तो मेरा अपना है। सुम अंगम यथा, जिसे उसका अपना अंग हो, इस प्रकार की अनुभूति होती है। और जब ये अनुभूति होती है तो स्त्री उसकी हिंसा नहीं करती। सा अस्य तत् आत्मानम अत्रगतम भावयति, और अपने अंदर उसके होने का वो अत्यंत आनंद प्राप्त करती है। भावयति शब्द का प्रयोग किया है, यानी उसकी स्थिति से स्त्री में जो परिवर्तन आते हैं उन एक एक परिवर्तनों को वो स्त्री आनंद के साथ स्वीकार करती है, और सिर्फ स्वीकार नहीं करती है, उसका आनंद मनाती है, उसके आनंद को स्वयं अनुभव करती है। अब ऐसी स्थिति में कहते हैं सा भावित्री भावितव्या भवती, जब वो स्त्री उसका आनंद लेती है तो सबकी जवाबदारी है कि उसको आनंदित रखें। सा भावित्री भावितव्या भवती, गर्भस्थ शिशु का ध्यान जब वो गर्भवती माता रखती है तो घर परिवार की प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी है भावितव्या भवती कि वो उसका ख्याल रखे। तम स्त्री गर्भम विभर्ति सो अग्र एव कुमारम जन्मनो अग्रे दिभावति। चलिए इस बात के ऊपर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं।
स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसको तरह तरह की इच्छाएं उसके मन में होती हैं। तो उत्तर रामचरितम में जो भभूति का नाटक है, गुरु वशिष्ठ ने यह सूचना राम के लिए भेजी है कि सीता इस समय गर्भवती है और वो जो भी इच्छा करेगी, संस्कृत में इसको दोहद कहते हैं, गर्भवती स्त्री के मन की जो इच्छा होती है उसको दोहद कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि सीता के दोहद को पूर्ण करने की जवाबदारी राम तुम्हारी है, क्योंकि हम सब लोग तो घर से बाहर हैं, उस समय माताएं और सब लोग बाहर थे, राम और छोटे भाई ही घर पे थे, तो वहां ये आज्ञा दी गई है। तो हमारे शास्त्र हमेशा इस बात के लिए विधान करते हैं, मनुस्मृति में भी इस बात का विधान किया गया है और यहां ऐतरेय उपनिषद भी इस बात को कहता है। और ऐतरेय उपनिषद यानी उपनिषदों में प्राचीनतम उपनिषद, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ऋग्वेद माना जाता है और इसकी भाषा भी, क्योंकि आप तो इतना भाषा पे ध्यान नहीं देते हैं, आप तो जो मैं हिंदी में बोलता हूं आप उसको सुनते हैं ज्यादातर, लेकिन इसकी जो भाषा है, इसकी जो संस्कृत है, इसकी जो वैदिक संस्कृत है, वो सामान्य संस्कृत से काफी अलग है। मैंने अभी तक जो उपनिषद आपके सम्मुख प्रस्तुत किए उनमें सब में प्राचीन उपनिषद यह है, ऐसा आप मान सकते हैं। इसकी भाषा के अनुसार तुरंत इस बात का ध्यान रखता है। तो इतनी प्राचीन परंपरा में ये उपनिषद भी इस बात को कहता है कि जब वो स्त्री अपने गर्भ में स्थित उस बालक का आनंद लेती है तो वो आनंद में ही बनी रहे, सा भावित्री, वो आनंद लेने वाली भावितव्या, उसको अधिक आनंदित करना भवती। ये आप सबकी जवाबदारी, ये पूरे परिवार की जवाबदारी होती है। देखिए हमारे यहां 16 संस्कार में सीमंत संस्कार होता है। स्त्री गर्भवती हो जाए, उसके गर्भ के लक्षण जब दिखने लग जाते हैं तो ये सीमंत संस्कार किया ही इसीलिए जाता है कि घर परिवार आसपास के लोगों को, सबको, कुटुंबी जनों को इस बात का पता लगना चाहिए कि भाई ये स्त्री जो है ये गर्भवती है। पुत्र वधु है घर में तो पुत्र वधु, पुत्री है तो पुत्री के रूप में, जो भी है वो गर्भवती है। और अगर वो गर्भवती है तो सबकी जवाबदारी है कि उसका ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्त्री अपने मुख से नहीं कह सकती है। तो अगर नहीं कह सकती है तो सबकी जवाबदारी है। और जब ऐसा बनता है तम स्त्री गर्भम विभर्ति, तो स्त्री उस गर्भ को बड़े आनंद से धारण करती है, उसका गर्भ में विकास होता है। सो अग्र एव कुमारम जन्मनो अग्रेदि भावयति। भैया जन्म तो बालक का जब होगा तब होगा, लेकिन उससे बहुत पहले वो स्त्री जो है उस बालक के, उस कुमार के जन्म का आनंद प्राप्त करती है। आपने कई बार देखा होगा, अपनी फिल्मों में भी इस चीज को बताते हैं कि कोई अगर स्त्री छोटे छोटे मोजे वोजे बनाने लग जाए, बुनने लग जाए, या किसी दुकान पे जाकर के छोटे बच्चों के कपड़े देखने लग जाए, तो फिर लोग ये कहने लग जाते हैं कि भाई अच्छा, ऐसा क्या कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। और गुड न्यूज इसी को कहा जाता है। देखिए आप, हमारे यहाँ तो इंग्लिश में भी गुड न्यूज जो बोलते हैं वो इसी घटना के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। तो फिर से हम इस बात को समझें कि उस बालक के जन्म से पहले ही वो स्त्री उस बालक के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं, उसकी भावनाएं जो हैं वो पहले से उसका आनंद प्राप्त करने लग जाते हैं। तो स्त्री तो गर्भ में जब बालक है तभी से उसका आनंद लेती है और फिर उसको जन्म देती है। सा यत कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयत इति आत्मानमेव तद्भावयत तेषा लोकानाम संतत्या। लेकिन बालक का जब जन्म होता है, स्त्री तो उसको गर्भ में रखती है, 9 महीने तक बड़ा करती है और अपना, जिसको कहिए कि खून और पानी, सब कुछ उसके लिए एक कर देती है, अपने प्राणों की बाजी लगा करके उसको जन्म देती है। लेकिन जन्म के बाद की जो जवाबदारी है वो कहीं ना कहीं पिता के, जिसके अंश से, जिसके वीर से उसका जन्म हुआ है, ये उसके ऊपर आती है। सायत कुमारम जन्मनो, वो जिस कुमार को जन्म देती है, आदि भावयति आत्मानमेव, पिता को ये लगता है ये तो मैं ही, इस रूप में मेरा ही जन्म हो गया है। देखिए कई बार ये देखा जाता है कि अपने जीवन में लोग जो नहीं बन पाते हैं
वो अपेक्षा रखते हैं कि मेरे पुत्र को वो बन जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पुत्रात शिष्यात पराजय में छेद। हर पिता ये चाहता है कि पुत्र उससे आगे निकले, उससे श्रेष्ठ बने, उससे वो पराजित होना चाहता है। ऐसे हर गुरु भी ये चाहता है कि शिष्य उससे आगे निकले। तो पुत्रात शिष्यात पराजय में छेद, ये जो बात है आप यहां समझिए कि वो पिता ये महसूस करता है कि अपनी स्त्री के गर्भ से उसने ही स्वयं जन्म लिया है। आत्मा वही जायते पुत्रा, आप ये जब आत्मा की मोटी मोटी परिभाषा शुरू हुई तो उसमें ये कहा गया कि पुत्र को ही पुत्र ही आत्मा है, ऐसा भी प्रारंभिक प्रक्रिया में माना गया। तो यहां पे आप ये समझिए कि जब वो पिता उस रूप में स्वयं को जन्म हुआ ऐसा मानता है, तद्भावयत तेषाम लोकानाम संतत्या, तब फिर वो उसके लालन पालन में पूरी रुचि लेता है, उसके 16 संस्कार, जात कर्म इत्यादि जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को करना, अच्छे से अच्छे मार्ग पे उसको ले जाना, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना, या जो कुछ भी उसके लिए बन पड़े। भाई जो कुछ बन पड़े में आजकल लोग बड़ा गलत काम करने लग गए। आजकल जो कुछ बन पड़े के चक्कर में लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं। किस लिए करते हैं? साहब अपने पुत्र को श्रेष्ठ बनाना है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, काहे के लिए भैया? अरे पुत्र को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, यही आपके हाथ में है। आप उसको कितना भी अच्छा बंगला और कितनी भी अच्छी गाड़ी और कितना भी अच्छा सब कुछ करके देंगे, अगर आपने उसको लायक नहीं बनाया, अगर वो नालायक हुआ तो सब बेकार है। और अगर वो लायक है, आप उसको कुछ लेके नहीं देंगे तो भी वो सब कुछ खड़ा कर लेगा, और कुछ नहीं होगा तो श्रवण कुमार की तरह आपको कंधों पे कामर में बिठा के घुमाएगा, लेकिन फिर भी तीर्थ यात्रा करवाएगा, और आप सब कुछ करके दे दोगे फिर भी अगर वो नालायक है तो अपनी ही गाड़ी से टक्कर मारेगा, जो गाड़ी आप उसको लेके दोगे उसमें से उतरते समय भी वो आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए यहां बहुत आवश्यक है कि जिसको आप अपनी आत्मा समझ के अत्यंत प्रेम करते हैं, अंधा प्रेम मत कीजिए। सुतो लालनाथ भर्तृहरि लिखते हैं कि पुत्र को अगर बहुत अधिक प्यार दिया जाए तो वो बिगड़ जाया करता है। तो उसको सन्मार्ग पे रखना, उसको श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाना, ये एक पिता की जवाबदारी होती है। एवं संतता ही में लोकास्तदस्य द्वितीयम जन्म, और इस प्रकार से जब वो एक श्रेष्ठ पुत्र अपने पिता के सद्गुणों को ग्रहण करता है तो ये उसका द्वितीय जन्म माना गया है। देखिए वीर जब माता के गर्भ में गया है उसको पहला जन्म माना है। माता ने जिस बालक को जन्म दिया है उस प्रक्रिया को तो यहां जन्म कहा ही नहीं गया है, यहां दूसरा जन्म कहा गया है। जब बालक श्रेष्ठ बने, पिता जब उसको उत्तम संस्कार देता है और उसको एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाता है तो ये उसका दूसरा जन्म हुआ करता है। अगर आपने उत्तम संस्कार नहीं दिए हैं तो स्त्री ने तो अपना काम कर दिया बालक को जन्म देने का, लेकिन पिता अपने कर्म में कच्चा रह गया। मिट्टी लाकर के कुम्हार ने आधा काम कर दिया है, लेकिन उस मिट्टी से अच्छा सा सुंदर सा घड़ा बनाना ये कुम्हार की जवाबदारी है, ये पिता की जवाबदारी है। इसके लिए अच्छा गुरुकुल हो, अच्छे गुरु मिले, अच्छा अच्छा संग हो, उसकी मित्र मंडली अच्छी हो, इन सब चीजों का ख्याल पिता को रखना चाहिए। चलिए अब तीसरा जन्म किस रूप में होता है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और वो होगा इस द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड का दूसरा वीडियो और अंतिम वीडियो। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।